श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरवे नमः। मंथान भांडाखिल भंजनाय हय्यंग विनाशन रंजनाय गोस्वादु दुग्धामृत पोषिताय नमोस्तु गोपी जन वल्लभाय। सभी वल्लभीय वैष्णव वृंद को सबसे पूर्व आज श्री हरिराय महाप्रभु के प्राकट्योत्सव की मंगल बधाई सह भगवत स्मरण। आज परम मंगल दिवस है। श्री महाप्रभु जी की पांचवी पीढ़ी में श्री हरिराय जी का प्रागट्य है। श्री महाप्रभु जी के श्री गुसाई जी के द्वितीय लाल जी श्री गोविंद राय जी के लाल जी कल्याण राय जी और कल्याण राय जी के प्रथम पुत्र के रूप में श्री हरिराय महाप्रभु का प्रागट्य संवत 1647 ब्रिज की अश्विनवदी पंचमी और गुर्जर के अनुसार भादोवदी पंचमी के दिन श्री जमुना बहुजी के गर्भ से श्रीमद गोकुल में आपका प्रागट्य हुआ। आपका प्रागट्य श्री वल्लभाचार्य जी के सात्विक रूप में से माना गया है। श्री हरिराय महाप्रभु को ब्रह्म संबंध श्री गुसाई जी के चतुर्थ लाल जी श्री गोकुलनाथ जी ने प्रदान किया। श्री गोकुलनाथ जी आपके दीक्षा गुरु हैं। श्री हरिराय महाप्रभु ने 125 वर्ष भूतल पर विराज कर अनेक ग्रंथ रचना प्रकट किए। आपका साहित्य हमें संस्कृत, ब्रजभाषा, हिंदी, मारवाड़ी, पंजाबी, सिंधी भाषा में भी प्राप्य है। 41 शिक्षा पत्र, 84252 की वार्ता में भाव प्रकाश, आपने अनेक विध पदों की रचना की, कीर्तनों की। आज हमें रसिक प्रीतम हरिदास की छाप से वो कीर्तन साहित्य हमें प्राप्त होता है। श्री हरिराय जी के बहुजी सुंदरवंता बहुजी द्वारा रचित चिंतन का धौल भी आज वैष्णवों में प्रचलित है। प्राय सत्संग मंडली में वैष्णवों द्वारा उसका गान भी होता है। नंद नंदन सखी सुंदर वालो चिंतन तेनु करिए जी। हरिराय जी द्वारा रचित बड़ी दान लीला, वो दान लीला की 35 तुक सर्वोत्तम जी के सानुकूल हैं, जो आज भी हरिराय जी के उत्सव के दिन विशेष रूप से प्रभु सन्मुख वो दान लीला गाई जाती है। आज फिर एक बार हम पुष्टि वृंद चैनल के माध्यम से दान एवं सांझी के पदों का गान एवं विवेचन करने का प्रयास भगवत कृपा से करने जा रहे हैं। पूर्व में भी आप सभी के समक्ष हमने रास लीला के गुसाई जी की बधाई के बसंत धमार के कीर्तन प्रस्तुत किए। इस बार पुष्टि वृंद प्रस्तुत करने जा रहा है मेरी भरी रे मटुकिया ले गयोरी दान एवं सांझी के पद। इन दिनों में एक साथ प्रभु की दो किशोर लीला का प्राधान्य है, दान लीला एवं सांझी लीला। दान लीला 20 दिनों की है, सांझी लीला 15 दिन की है। चार गोपियों के चार स्थान में 5-5 दिन का दान ऐसे भी हमारे आचार्यों की वाणी में हमें सुनने मिलता है। 5 दिन गहवर वन का, 5 दिन दान घाटी, 5 दिन पनघट, 5 दिन वृंदावन, इस प्रकार 20 दिन का दान। इसके अलावा करहला, गोवर्धन, साकरी खोर, कदम खंडी जैसे कई स्थानों का भी वर्णन दान के पदों में हमें प्राप्त होता है।
दान के कई प्रकार हैं, कई प्रकार से दान किया जाता है। अपितु पुष्टि में मुख्य तीन दान को सर्वोत्तम माने हैं। एक है रसदान, जो गोपी जनों को रासोत्सव में प्रभु के द्वारा प्राप्त हुआ। दूसरा है गोरस दान, जो प्रभु ने स्वयं चलकर गोपी जनों से मांगा है। अभय दान तीसरा, जो हमें ब्रह्म संबंध के द्वारा श्री महाप्रभु जी की आड़ी से वल्लभ कुल के द्वारा हमें वो प्राप्त होता है। ठाकुर जी वन में पधारे, गोरस दान आपने प्रथम मांगा। गो यानी वेद, गो यानी गाय, गो का अर्थ इंद्रियां भी होता है। उन इंद्रियों का रस, विलास, हाव भाव, कटाक्ष, चितवन, इन पदार्थों की खान श्री गोपी जन है। इसलिए गोरस के मिस इंद्रियों के रस अभ्यागत होकर मांगा, यह भी एक भाव पक्ष है। ब्रजभक्त महादानी है, गोरस की मटकी लेके उत्तम दान पात्र विचार करके दही मंगल रूप है, यह सगुन विचार के घर से गोपियां चली। दान उत्तम पात्र को पर्व काल के समय में तीर्थ में देना, इसे उत्तम दान माना है। जो समय उत्तम पात्र हमें मिले उसे सर्वस्व दान करना चाहिए। तो यहां उत्तम पात्र प्रभु स्वयं है, खुद है, और पर्व काल इन गोपी जनों की तरुणावस्था है। तीर्थ वृंदावन, गिरी, तरेटी इत्यादि ब्रज स्थली है। जो इसे राज अंश माने तो सर्वथा यह दान न होए, पर यहां तो सर्वस्व दान बताया है। यहां रस रूप त्रिगुणात्मक दान नंद राज कुमार ने गोपियों से लिया है, इसे ही पुष्टि में स्वीकार किया। सात्विक राजस तामस हट पूर्वक झगड़ा करके अनिच्छा पूर्वक डरा धमका कर दान लेना, वह तामस दान है। वाद विवाद, श्रीमंताई बड़प्पन से दान लेना, उसे राजस दान कहा है। जबकि दीनता युक्त स्नेह पूर्वक विनम्रता से देना, वो सात्विक दान है। प्राय हमें दान के पदों में इन सभी प्रकार के दान का वर्णन भगवद योग की वाणी के द्वारा प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष भागवत जी में भी राजा परीक्षित को स्पष्ट रूप से दान लीला का श्रवण करना दुर्लभ है, पर यह वैष्णव सृष्टि को श्री महाप्रभु जी की कृपा से अष्टछाप भगवद योग की वाणी के माध्यम से वह लीला हमें सुलभ कराई है। आओ हम भी इस दान के पदों का श्रवण सुप्रसिद्ध कीर्तनकार परम भगवदीय कृष्णदास भई नायक के सुमधुर कंठ से हम श्रवण करें। प्रस्तुत है मेरी भरी रे मटुकिया ले गयोरी। यह दान के पदों का वर्णन अब हम श्रवण भी करेंगे और यथामति उसका भाव विवेचन भी करेंगे। आओ प्रस्तुत हैं दान एवं सांझी के पद। अब आप श्रवण करेंगे राग ललित में, कृष्णदास जी की बाणी में ये पद है। अहो कान प्यारे गौअन के रखवारे। कृष्णदास जी ऋषभ सखा हैं और अष्ट सखियों की प्रधान सखी ऐसी ललिता सखी है। कह रही हैं आप अहो कान प्यारे, ये सात्विक भाव से कह रही हैं। अहो कान प्यारे, ओ गौवन के रखवारे, ओ गायों को रखने वाले, ओ गायों को चराने वाले गोपाल, आपको जो चाहिए सो हमसे ले लो, पर हमको घर वापिस जाने दो। आपने मेरी मटकी फोड़ दी,
मेरी बहिया को मरोर दी। यहाँ पे देख रहे हो श्याम सुंदर, ओ कान, यहाँ आसपास सभी लोग देख रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। कृष्णदास जी कह रहे हैं कि प्रभु, आप रसिकों के मुकुट मणि हो, आप जीत गए हम हार गई, प्रभु अब हमें जाने दो, अब हमें जाने दो। आओ कृष्णदास जी की वाणी का यह पद राग ललित में हम श्रवण करें। अहो कान प्यारे गौवन के रखवारे। कान प्यारे
का पद राग देवगंधार में परमानंद दास जी की वाणी में। परमानंद दास जी सूरदास जी के समान आप भी पुष्टि के सागर भये। सूर सागर और परमानंद सागर कहलाए। आपकी वाणी में हम यह पद श्रवण करेंगे। शब्द हैं रंचक चाखन देरी दयो। रंचक यानी थोड़ा सा, सहज जरा सा। प्रभु कह रहे हैं कि अरे सखी, मुझे थोड़ा सा दही चाखने दे। मैंने सुना है कि तेरे दही का अद्भुत स्वाद है, इसलिए अब वो चाखने के लिए मुझसे रहा नहीं जा रहा है। हे सखी, ज्यों ज्यों अपने कर कमलों से अपने हृदय को ढांक रही है,
त्यों त्यों मन का भाव विदित होता गया। सहज भी इसे छोड़ना नहीं चाहता मैं। जब छबीले नंद कुमार ने दौड़कर ग्वालिनी का अंचल पकड़ लिया, परमानंदास जी के प्रभु हट कर रहे हैं। ग्वालिनी ने बहुत सहन किया। अंत में यह ज्ञात हुआ उसे कि जब प्रभु सामने से दही के मिस मेरे मनोरथ को अंगीकार करना चाहते हैं, तब चलो मैं ही उन्हें स्वयं अरोगा देती हूँ। तो परमानंद दास जी ने यह पद में ये सुंदर भाव प्रस्तुत किया। आओ अब हम राग देव गंधार में इस पद का श्रवण करेंगे। रंचक चाखन देरी दहो। चाखन देरी दयो रंचक चाखन देरी दयो चाखन देरी दयो चाखन देरी दयो अद्भुत स्वाद श्रवण सुन मो पे अद्भुत श्रवण सुन मो पे नाहीन पर रयो रंचक चाखन देरी दयो मरम लयो नंद कुमार छवि नंद कुमार छवि लो अचराधा गयो रंचक चाखन देरी दयो चाखन देरी दयो रंचक चाखन चाखन देरी
हरी हट कर दास परमानंद हरी यह मे बहुत सयो इन बातन खायो चात इन बातन चाखन देरी दयो अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग मालकोस में परमानंद दास जी की वाणी में पद है मेरी भरी रे मटुकिया ले गयोरी। ये प्रसिद्ध पद है। परमानंद दास जी लीला में तोक सखा हैं, चंद्रभागा सखी हैं। आज एक सखी बड़ी रोष में भरी हुई थी। दूसरी ने पूछा, अरे सखी का भयो? वो कहने लगी, अरे वो श्याम सुंदर। पर श्याम सुंदर आगे तो बोल, अरे वो मेरी दूध दही से भरी मटुकिया छीन कर ले गया, मेरी भरी रे मटुकिया ले गयो री। ग्वाल बालों को भी खिलाता है, खुद भी खाता है, बनचरों को भी खिला रहा है। अरे मैं वृंदावन की सघन कुंज से गुजर रही थी, वहां हर कुछ कहने लगा, अजीब सी बातें करने लगा। कभी कह रहा है कि अरे तू तो बड़ी लंबी है, कभी कहता है किसी को तू तो बहुत ठिंगनी है, किसी से कहता है तू तो बड़ी मोटी हो गई है खा पी के, किसी से कह रहा है अरे तेरो धनी खवावे नहीं कि काहे ऐसी पतली दुबली क्यों हो रही है, ये कोई बात है? परमानंद दास जी कह रहे हैं कि ये ब्रिजवासी श्याम सुंदर हमारी मटुकिया ले गया, जब हमने मांगा तो अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयोरी। अंगूठा दिखा गया जाते जाते। आज हमारे श्री गोवर्धन धर प्रभु श्री जी बाबा उन्होंने भी जो दक्षिण हस्त है उसमें मुष्टिका बांध कर जो कटी पे धारण किया है, और आपके भी मुष्टिका से बाहर अंगुष्ठ हैं। परमानंद ब्रजवासी सांवरो अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयोरी, मेरी भरी रे मटुकिया ले गयोरी। आओ इस पद का श्रवण हम राग मालकोस में करेंगे।
सी सावरू परम भगवदीय माधवदास जी की रचना है। इस पद में ठाकुर जी और प्रिया जी का संवाद है। प्रायः हम देख रहे हैं कि दान के अधिकतर पदों में परस्पर संवाद हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। इस पद के शब्द हैं, हमारे गोरस दान न होए मोहन लाडिले हो। सखी कह रही है कि हे मोहन लाडिले, हमने आज तक गोरस का दान कभी न दिया न कभी सुना है। हे महामदमत ग्वार, ये दान लेने की तुम हट हमसे छोड़ दो। ये तुम कब से दानी बन गए और हमने आज से पूर्व कब दान दिया। तुम तो नंद बाबा की गैया चराते हो और नित्य नवीन लीला करते हो, हे मोहन लाडिले। ठाकुर जी बोले, तुम कह रही हो तुम कब से दानी भये, तो मैं तो तीन लोक का दानी हूं, आज नया दानी पैदा नहीं हुआ। स्वर्ग भूमि पाताल ये तीनों लोक का मैं दानी हूं और तुम चारों युग की ग्वालिनी हो। मैं अपने हिस्से का दान लेकर ही रहूंगा। जो तू दान नहीं देगी वहां तक तेरे कंठ के हार को अपने पास रखूंगा। हे नारी, हट छाड़ो और हमें दान दो। सखी बोली, हे मोहन लाडिले, तुम्हें पता है ये हमारे सिर पे जो इंडोरी धरी है वो रत्नों से जड़ित है। कंठ में जो हार है वो अमोलक हीरा जड़ित है। तुम कारी कामरी के ओढ़ने वाले मोहन, उसे तुम रखना चाहते हो, उसका मोल जानते हो कितना है। तब ठाकुर जी बोले, हे नारी, हट छाड़, तुम जिस कामरी को साधारण समझ रही हो उसे तो ब्रह्मा और महेश शिवजी ने मिलकर गूंथा है, बुना है। जिस कामरी का शेष जी भी पार नहीं पा सके वो कामरी हमने ओढ़ी है। अब हट छाड़ो और दान दो। सखी बोली, ये मीठी मीठी बातें बोलते हो, नेत्रों को चंचल करते हो। सुनो मोहन, जो मेरा हार है तुम उसे मांग रहे हो, उसका मूल्य कितना है जानते हो। एक हार का मूल्य तेरी सब गायों के मूल्य के समान है, उससे भी अधिक है।
ठाकुर जी बोले, जो गैया को तुम सामान्य समझ रही हो वो गैया तीनों लोक को तारने वाली है और मैं झूठ नहीं बोल रहा, चारों युग इस बात का प्रमाण दे रहे हैं। तीनों लोक में यह दूध देती है जो अमृत समान है, तेरे 10 हार भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, अब हाथ छाड़ दो और हमें दान दो। सखी बोली, हे मोहन लाडिले, लाला क्यों बेकार में हमसे वाद कर रहे हो, क्यों इस वन में शोर मचाते हो, तेरी बांसुरी से जो स्वर निकलते हैं ऐसे तो हमारे नुपुर से भी निकलते हैं। ठाकुर जी बोले, अरे सखी, ये बंसी की बात करती हो, इसी बंसी की तान पे तो मैंने गोवर्धन को उठा लिया, ज्यों ज्यों तान लुठत मुरली में त्यों त्यों लालन अधर धरे। प्रभु अपने सखाओं से कहने लगे, अरे ग्वालो, ये ग्वालिनी के वचनों से बड़ी ढीठ लग रही है, ये तो इसकी मटकी छुड़ा लो, ये ऐसे नहीं मानेगी। तब सखी बोली, हे मोहन लाडिले, मुझे तुम ढीठ कह रहे हो, पता है न जशोदा जी ने किस तरह तुमको उखल से बांध दिया था, दामोदर रूप धारण किया था आपने। तब हमसे विनती करने लगे, अरे मुझे छुड़ाओ, लालन भूल गए उस प्रसंग को, तब हमने ही आपको उखल बंधन से छुड़वाया था। ठाकुर जी बोले, तुम मेरे गिड़गिड़ाने की बात कर रही हो, तुम भूल गई, तुम भी तो जब जमुना जी में स्नान कर रही थी हेमंत ऋतु के शीतकाल में, तब हमने तुम्हारे वस्त्रों का हरण कर लिया था, चीर हरण करके हमने कदम पे तुम्हारे वस्त्र लटका दिए थे, तब तुम भी तो मेरे सामने गिड़गिड़ाई थी, श्याम सुंदर हमारे वस्त्र दे दो, हमारे वस्त्र दे दो, भूल गई इस बात को, अब बड़ी इतरा रही हो। सखी बोली, इतराने की बात कर रहे हो तो तुम भी वन के श्रृंगार धरते हो, मोर पंख सिर पे धरते हो, गुंजा के हार धरते हो, बांस की बसुरिया को कमर के कटी के पीतांबर में खोंस के रखते हो, और इस श्रृंगार पे हमसे ऐंठ रहे हो, हमसे अकड़ मार रहे हो। प्रभु कह रहे हैं कि अरे सखी, यहाँ जो भी पंछी हैं वे सब पूर्व जन्म के मुनि जन हैं, आज उनकी तपस्या का फल उनको प्राप्त हुआ है, ये एक निमेश पल भर भी मेरा ध्यान नहीं चूकते, ये सब मेरे जीवन के प्राण हैं। ये बात वेणु गीत में भी गोपिकाओं ने बताई है कि यहाँ के जो भी मुनि हैं वो पूर्व जन्म के ऋषि मुनि हैं, जो ध्यान धर के बैठे हैं। प्यारी जो बोली, हम बेटी वृषभान की, हम वृषभान राय जी की बेटी हैं, तुम नंद राय जी के लाला हो, प्रेम प्रीत पूर्वक समझो, तुम अपना गुमान छोड़ो। फिर तो प्रभु ने वृंदावन में क्रीड़ा करी, युगल स्वरूप से रास मंडल की रचना रची, रास विलास किया, और ये लीला का ध्यान धर के देवताओं ने जय जयकार किया। इस मधुर लीला पर माधोदास भी बलिहारी जाते हैं। आओ अब हम इस दान लीला का श्रवण करेंगे। हमारे गोरस दान तो
दासी हूँ लोके को तुम चारो जुग की वार दान न छाड़ो आपनो दान न छाड़ो आपनो तेरो राखो गहने हार अहो प्यारी राखो गए निहार नारी हट छाड़ दे रतन जटित के इंढोरे मेरे हीरा जरी हो ताही तुम राखने चाहत हो कमर के ओढ़न हार आओ प्यारे कमर के ओढ़न हार मोहन लाड़ रे ब्रह्मा तानो पूरियो पूनी बैठ महे पारन पावत शेष अहो प्यारी पारन पावत शेष नारी हट छाड़ दे मैं न चावत चातुरी हो बोलत मधुरे सब गयन को मोले मोहन लाड़े यह गैया तिहु लोक तारनी चायो जुग परमान दूध दे तिहु लोक को दूध दे हार ले हो दशदान अहो प्यारी हार ले हो दशदान नारी हट छाड़ दे काहे को बाद करत हो लाला काहे करत अति सो नोपुर की घन घोर मोहन लाड़े या बंसी की फूंक पे मैं कोदलियों उठा मटुकी ले उछिराए अहो प्यारी मटुकी ले उछिराए नारी हट छाड़ दे यशोदा बांधे डामरे लाल दामोदर गो चीर हरे
रात नारी हट छाड़ दे मोर पखोवा शिर धरे हो बांस फूकनी या श्रृंगार पर आओ प्यारे या श्रृंगार पर मोहन लाड़ ये सब पंछी मुनि है ने तपसार्यो बिरबान नारी हट छाड़ दे हम बेटी दुश्मन की तो मैं नंद महर के कान प्रेम प्रीत रुचि मान ले प्रेम प्रीत रुचि मान ले नोटा अब जिन करे गुमान आहो डोटा अब जिन करे गुमान मोहन लाड़ वृंदावन क्रीड़ा करी हो रचो रास विलास सुर नर मुनि जय जय करे सुर नर के तुम दानी भये सब हम दीनो दान गाय चराबो नंद की गाय चराबो नंद की तुम सुने अनोखे कान अहो प्यारे सुने अनोखे कान मोहन लाड़ हमारे गोरस दान न होए मोहन लाड़ी रे हमारे उन्मद फिरत गुवार नारी हट छाड़ दे मोहन लाड़ी रे नारी हट छाड़ राग सारंग में पद है कुंभन दास जी की बानी में चलन न देत हो यह बटियां। श्री कुंभन दास जी लीला में प्रभु के अर्जुन सखा हैं और विशाखा सखी है। सखी कह रही है कि हे श्याम सुंदर आप किसी को इस बाट मार्ग से जाने क्यों नहीं देते हो। इन गिरी की घाटियों से जो भी निकलती है उनका आप मार्ग रोक लेते हो रास्ता रोक लेते हो कभी हार तोड़ देते हो कभी उनके चोली वस्त्र फाड़ देते हो हमारी मांग भरी केश की पट्टियों को ताकते रहते हो। यहाँ पाठ भेद भी है मांग निहारत पटिया और मांग सवारत पटिया। सवारत पटिया जो हम लें तो कभी हमारे केश की मांग की पाटियों को संवारने लगते हो। हे नंदलाल कभी आप हमारी बैया मरोड़ देते हो दही के पात्र भाजन को फोड़ देते हो
कुंभन दास जी कह रहे हैं कि सखी रूप से कि हे प्रभु, हे नंदलाल, इस तरह का दान आज से पूर्व किसी ने लिया है? ये तो आप नई बात कर रहे हो, नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हो। हे गिरधर, हम आपके मन की, आप हमारे मन की सब जानते हैं। हम आपके पैर छू रही हैं, चरण पकड़ती हैं कि हमको जाने दो, चलन न देत हो यह बटिया। आओ राग सारंग में हम इस पद का श्रवण करें।
अवदान दियो कुंभन दास प्रभु कब दान दीनो नई बात सब ठटिया सब ठटिया गिरिधर पाए पूजिए तिहारे पाए पूजिए पाए पूजिए पाए गिरिधर पाए पूजिए तिहारे जानत हो सब कटिया जानत हो सब कटिया चलन चल न दे राग नूर सारंग में अब हम पद का श्रवण करेंगे। शब्द हैं आज दधि देखूं तेरो चाख। यह पद भी जिनको व्यसन दशा सिद्ध है ऐसे अष्टछाप भगवद श्री कुंभन दास जी की वाणी में है। आपकी आसक्ति निकुंज लीला में रही है सदा। कुंभन दास जी इस पद में कह रहे हैं कि मेरे प्रभु सखी से बोले कि हे ग्वालिनी। सखी बोली क्या भयो। ठाकुर जी कह रहे हैं कि आज दधि देखूं तेरो चाख। आज मैं तेरे दही को चाख के देखूंगा। इस दही का मोल क्या है, कहां जाकर बेचेगी तू, सच्ची सच्ची बात बता। तू जो भी मोल कहेगी इस दही का वो मोल मैं चुकाऊंगा, सच कह रहा हूं। संघ के सारे सखा मेरे साक्षी हैं और अभी भी तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो मेरी कंठ सरी ले राख। ये गले का जो कंठा है, कंठ सरी है, वो तू ले ले इसके बदले। कुंभन दास जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु गोवर्धन धर की बात सुनकर गोपी तो राजी हो गई। प्रभु दही का मूल्य चुकाने के लिए घर चले, तभी आपने नेत्र से कटाक्ष किया और सर्व समर्पित किया। आओ इस पद का श्रवण हम राग नूर सारंग में करें। आज दधि देखूं तेरो चाख। आ
देखो तेरो चार आज दी देखो तेरो चार देखो तेरो चार आज आज दी देखो तेरो चार देखो तेरो चार आज दी देखो तेरो चार संग सखा सब सागे जो न पत्याए वाली ने हमको जो न पत्याए वाली ने हमको कंठ सरी आज दी देखो तेरो कुंभनदास प्रभु गोवर्धन सर्वस्व दियो तथा सर्वस्व दियो तथा आज दी देखो तेरो चार देखो
देखो तेरो चाकर आज देखो तेरो चाकर आज दादी देखो तेरो देखो तेरो चा देखो तेरो तेरो चाक आज अब हम प्रभु की सांझी लीला के पदों को श्रवण करेंगे। हमारे यहां सांझी लीला भादो मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होती है। 14 दिन सांझी और अमावस्या के दिन कोट माड़ा जाता है। ये संध्या देवी की उपासना है और ये संध्या देवी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। कुमारी कन्याओं और द्विजजन इनकी उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। ब्रज ललनाओं ने भी 14 दिन तक आराधना करके प्रभु को प्राप्त किए। प्रभु प्राप्ति हेतु पुष्टि मार्ग में भी ब्रज भक्तों के भाव से सांझी लीला 14 दिन रख के कोट की सांझी में उसकी पूर्णता मानी गई है। और ये 14 दिन आराधना करके 14 लोक के नायक ऐसे प्रभु को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से साधना की। यहां प्रभु सखी जनों के मध्य में आप भी सखी का भेष धारण करके ब्रज ललनाओं के मध्य में पधारते हैं। ब्रज की ललनाएं भीत में गोबर से लीप के अनेक पुत्र पुष्प पान से विविध आकृति को माढ़ती हैं। हमारे यहां सांझी पुष्टि संप्रदाय में पुष्प की रंग की केला के पत्ताओं की सूखे मेवा की अनाज की जल के भीतर जल के ऊपर ऐसे विविध जात की प्रभु के सन्मुख सांझी माढ़ी जाती है। सांझी के पदों में स्वामी जी की 52 सखियों के नाम हमको प्राप्त होते हैं। हमारे यहां ब्रज यात्रा के स्थान भी रंगों के द्वारा चित्रित करते हैं और जिस प्रकार परिक्रमा का नियम ग्रहण मथुरा विश्राम घाट से होता है उसी प्रकार पहले दिन मथुरा विश्राम घाट माड़ा जाता है। दूसरे दिन परिक्रमा आगे चलती है तो मधुवन तालवन इत्यादि ऐसे आखे परिक्रमा फिर के ये ब्रज यात्रा ये सांझी के द्वारा चित्रित की जाती है। पट्टा पे मारते हैं उसकी परिक्रमा होती है, भोग धरते हैं उनको। सूरदास जी की वाणी में राग जंगला शब्द हैं, अरी तुम कौन होरी बन में फुलवा बीनन हारी। सूरदास जी की वाणी में यह पद है। सूरदास जी कह रहे हैं कि सांझी के दिन प्रारंभ हुए, आज स्वामी जी ललिता आदि सखी जनों के साथ बाग बगीचा में सांझी चित्रित करने के हेतु से पुष्प आदि को बीनने के लिए पधारी हैं। ठाकुर जी ने जान लिया कि आज प्यारी जू इस बाग में इस स्थान पे पधारी हैं, तो प्रभु भी वहां पधारे और उस बाग के माली के रूप में बनमाली के रूप में आप वहां पधारे हैं और पूछने लगे कि अरी सखी तुम कौन हो, इस वन में फूल बीन रही हो, ये कौन है? नेह प्रेम रूपी रत्नों से जड़ित बगीचा है और विविध फूलों से फुलवारी फूल रही है। आज मदन मोहन प्रभु जो मन्मथ के भी मान को हरने वाले हैं,
उन्होंने प्यारी जू से पूछा, तुम कौन हो? तब साथ में जो ललिता जी थी, ललिता जी ने परिचय दिया कि तुम जानते नहीं, ये वृषभान राय जी की कुमारी लाड़ीली है, ये वृषभान दुलारी श्री राधा है। उनने पूछा, आप तुम कौन हो? प्रभु बोले, हम इस बन के बनमाली हैं, इस बन की रखवारी करते हैं और इसी बन में रहते हैं। तुम अपने जोबन के गर्व से छकी हुई बिना अनुमति के फूल किससे पूछ के तोड़ रही हो? बिन बूझे तुम फुलवा बीनत जोबन मद मतवारी। आज जो प्रभु हमें वर रूप में प्राप्त हो, इस भावना से सांझी पूजन के लिए फूल बीनने आई, वही प्रभु के ललित मनोहर मधुर वचन सुनकर, उनके दर्शन कर सब वृजनारी धन्य हो गई और आपके दर्शन से रसमग्न हो गई। प्रभु ने अपने रस में सबको वश कर लिया। प्रियाओं की विरह वेदना आज प्रभु के दर्शन मात्र से टर गई, दूर हो गई और संयोग सुख की पूर्ण प्राप्ति आज गोपी जनों को ठाकुर जी ने करवाई। राग पूर्वी ताल चौताल द्रुपद में अब हम पद का श्रवण करेंगे। शब्द हैं, आई हूं अकेली सांझ, सांझी के कुसुम लेन, भलो मिल गयो तू जात घर गाय ले। सूरदास मदन मोहन जी की वाणी है। ये सूरदास जी के समकक्ष समकालीन अनेक सूरदास हुए, उसमें एक हुए सूरदास मदन मोहन। इनके ठाकुर जी मदन मोहन जी थे तो उन्होंने अपनी छाप में भी सूरदास के बाद मदन मोहन रखा। उनके ठाकुर जी मदन मोहन जी के सन्मुख वो कीर्तन करते। हमारे हवेली संगीत में ठाकुर जी के सन्मुख अनेक पद हैं जो सूरदास मदन मोहन की छाप से प्रभु सन्मुख गान किया जाता है, तो इस पद में भी सूरदास मदन मोहन की छाप है। सखी कह रही है कि हे श्याम सुंदर, संध्या समय गोधूली की बिरिया में, सांझी के लिए कुसुम पुष्प लेने घर से मैं अकेली चली आई हूं। अच्छा हुआ कि उसी समय आप गायों को लेकर घर पधार रहे थे और मार्ग में मुझे आपके दर्शन हुए, आप मिल गए। अभी मौसम भी देखो कैसा हो रहा है, घनघोर बादल चारों ओर घिर आए हैं, बिजलियां चमक रही हैं, घटा छा जाने से घर का मार्ग भी कुछ सूझ नहीं रहा, अंधकार छाया है। मैं जो चटक रंग की चुनरी पहर के आई हूँ, ओढ़कर आई हूँ, उसे इस वर्षा के जल से बचा लो, वरना इस पर बूंद पड़ेगी तो इसका रंग भी फैल जाएगा। चारों ओर बिजलियां चमक रही हैं, बादलों की गर्जना से मैं डर रही हूँ। ऐसे समय में भी हे निर्दयी, आपको मुझ पर दया नहीं आ रही है? ऐसे समय मुझे अपने अंग से क्यों नहीं लिपटा लेते? सूरदास जी अपने प्रभु मदन मोहन जी से कह रहे हैं कि आप बड़े चतुर कहलाते हो, पर गर्व मत करो, आपका बड़प्पन यही है कि ऐसे संकट के समय, ऐसे वातावरण के समय आप अपनी कामकारी कामरी के अंदर मुझे समा लो, अंग से लिपटा लो हे प्रभु, और मेरा जो भी मन में जो डर है उसे आप दूर करो। आई हूँ अकेली सांझ, सांझी के कुसुम लेन, भलो मिल गयो तू जात घर गाय ले। आओ राग पूर्वी में अब हम इस पद का श्रवण करेंगे। Ah
राग खमा
राग अडाना में सेन समय का पद है।
श्री गुसाइन जी के कृपा पात्र सेवक धोंधी की वाणी में यह पद है, शब्द है। ये कनरा करत रार, करूंगी पुकार कंस राय दरबार। सखी कह रही है कि हे कन्हैया, हर बार तू हमसे क्लेश करता है, विवाद करता रहता है। अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं तेरी फरियाद, सीधी राजा कंस के दरबार में जाकर शिकायत करूंगी। किसी ने पूछा, अरी सखी क्यों शिकायत करेगी? तब वह बोली, मैं जब दही बेचने के लिए जा रही थी, तब कन्हैया ने वृंदावन में आकर मुझे रोक लिया, मेरा दही खा लिया और बदले में मेरी मटुकियाँ फोड़ दी। इतना ही नहीं, मेरे हृदय पर जो मोतियों का हार झूल रहा था उसे भी खींच कर तोड़ दिया। धोंधी जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम बहु नायक हो, हम हार गई और आप जीत गए हो। ये कनरा करत रार, करूंगी पुकार कंस राय दरबार। आओ इस पद का श्रवण हम राग अड़ाना में, ताल आड़ा चौताल में करें। दधि मेरो खाय
किया प्रस्तुत है पद राग केदार में। गोविंद स्वामी की रचना है। ये गोविंद स्वामी लीला में प्रभु के अंतरंग श्रीदामा सखा हैं और भामा सखी हैं। प्रभु सखी से कह रहे हैं कि अरे गुजरिया, हे अहिरनी, आज तो तू बड़ी अकड़ में गर्व से छकी हुई इतराती हुई जा रही है। हम कुछ कह रहे हैं उसका उत्तर भी नहीं दे रही है। तू गोरस लेकर जा रही है, उसका मद तेरे अंदर भरा है और गजगती चाल से अति रसरंग भरी हुई तू यहां से गुजर रही है। कई दिनों से हमारा दान चुका कर जा रही है, अभी तक हमसे पाला नहीं पड़ा और आज हमारे तू पल्ले पड़िए तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। गोविंद दास जी के प्रभु ने अपने सखाओं से कहा, जाओ उसे घेरो घेरो पकड़ लो। तब सखी ने शरणागति स्वीकार कर अपना अंचल फैलाया, सारा गर्व उसका उतार दिया, सर्व समर्पण भाव से प्रभु सन्मुख वो ठाड़ी हो गई। प्रभु ने जब उससे कहा, गुजरिया तू गर्व गहेली उत्तर नाही देत, आओ इस पद का श्रवण हम राग केदार में करें। गुजरिया तू गर्व उत्तर नाही देत, गुजरिया तू चलत गजगती
चलत गज गति गोरस अतिरस रंग भरिया उतर नाहि दे तर गुजर दिन दिन दान मार गई है हमार कब हूँ पाले नहीं परिया गोविंद प्रभु कहता सखन सो घेरो घेरो अंचल धरिया उतर नाहीं दे गुजरिया घेरो तब धाये अंचल धरिया उतर नाहि दे गुजरिया तू गर्व
दरिया